अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो मेरे वीडियो में, मेरे यूट्यूब के वीडियो में कमेंट करते हैं फाइनल एग्ज़िट ग्रुप से रिलेटेड, कफाले से रिलेटेड या फिर एग्ज़िट से रिलेटेड। इन सारे सवालों को वो अपने मेरे वीडियो में जो है कमेंट के रूप में करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन को और पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि मैं आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि सऊदी से जुड़ी हर तरह की मालूम वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं जेल के ज़रिए आया था, मेरा इकामा भी एक्सपायर हो गया और पुलिस ने हमसे जो पेपर साइन कराया था उसमें से एक पेपर में रेड कलर का स्टंप लगा था जिसमें 3 साल का बैन मेंशन था, तो क्या 3 साल के बाद मैं सऊदी अरेबिया जा सकता हूँ? देखिए, अगर आपका फाइनल हुरूप के केस में गए चाहे किसी भी केस में, अगर आपका 3 साल का बैन था, जब भी आपको आना हो, जिन लोगों को भी आना हो जिनके ऊपर बैन था, वो मतार पेपर निकलवाएं। मतार पेपर इजी वे में निकल जाता है। जिन लोगों को निकलवाना हो वो मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बात करें, मैं इंशाल्लाह निकाल के दे दूँगा। दूसरी बात है कि मतार पेपर निकलवाएं, अगर आप मतार पेपर निकलवाते हैं, मतार पेपर में आपको मना दाखुल लिखता है, तो मना दाखुल का मतलब होता है एंट्री बैन। अगर मना दाखुल लिखा हुआ तो फिर आप नहीं आ सकते हैं, अगर मना दाखुल नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप सफ़र कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे 18 महीना हो गया है इंडिया आए हुए, मुझे सुरता वाला पकड़ लिया था दूसरे काम करते हुए, वो वाइट पासपोर्ट पे भेजा था, अब कितना दिन में आ सकता हूँ? तो देखिए, अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आपका कितना साल का बैंड है, तो मतार पेपर जब भी निकलवाना हो, ये एक छोटा अमाउंट है आपको लगाना ही पड़ेगा हर साल, जब भी आप सऊदी अरेबिया का वीज़ा लगाएं, मतार पेपर निकलवाएं, उसी में आपका उस टाइम के लिए बताएगा कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। क्योंकि एंट्री बैन अगर आपको पेपर में कन्फर्म नहीं दिया गया या बताया नहीं गया जाने के टाइम, तो इसका मतलब पुलिस से अगर आप जाते हैं तो या तो 8 साल का बैंड होगा या तो लाइफ टाइम का बैंड होगा। इसीलिए जब भी आना हो तो मतार पेपर ज़रूर निकलवाएँ और निकलवा करके चेक करवा लें आप लोग। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं एसी का काम में सऊदी रियाद में आया हूँ, मुझे आए हुए 5 महीना हो गया है, मुझे सफाई काम और टॉयलेट हमाम साफ सफाई कराते हैं, मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ, 14 घंटा ड्यूटी लेते हैं, मैं घर जा सकता हूँ? देखिए, आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट से हट करके आपसे कोई भी काम कराया जाता है, तो सिंपली क्या करें, उस काम का एक फ़ोटो वीडियो बनाएं, उसको बना करके अपने कफील को, कंपनी को बोलें कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट में काम है वही काम मैं करूंगा। अगर आप करवाना है तो मुझे रिटर्न में दें कि आपको ये काम करना होगा, तो इस तरीके से आप वहां पे एक बार एक्शन लें। फिर भी अगर कंपनी आपसे नहीं डरती है, तो सिंपली क्या करें, अपना एग्रीमेंट पेपर लें और वो जो वीडियो फुटेज आपने अपना काम का बनाया है उसको लेकर के मकतब अमल में जाएं, वहां जाके कंप्लेन करें और वहां अपना एग्रीमेंट पेपर दिखाएं और अपना साथ में साथ वो वीडियो भी दिखाएँ कि मेरा जो एग्रीमेंट पेपर में ये काम लिखा गया और मुझसे ये काम कराया जा रहा है, तो फिर इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैं कीवा में एग्ज़िट लगा दिया है, मेरा एग्रीमेंट ख़त्म होने 1 महीना बाकी था। देखिए, अगर कंपनी आपको बिना नोटिस पीरियड किया है, फिर बिना किसी वैलिड रीज़न के अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है, तो इसके अगेंस्ट आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं कि कंपनी ने मुझे बिना नोटिस पीरियड के, बिना किसी वैलिड रीज़न के मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है। अगर आपके टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट में आर्टिकल 80 का जिक्र नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट नहीं किया, आपको फाइनल एग्जिट लगा दिया, तो उस बेस पे फिर कंपनी को आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा
क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी कफील को ये हक है कि वो आर्टिकल 80 के बेस पे आपका फाइनल एग्जिट लगा सकता है। अगर वो आर्टिकल 80 नहीं यूज़ करता है और सिंपली आपको फाइनल एग्जिट लगा देता है बिना नोटिस पीरियड के, तो उस केस में फिर कंपनी को आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, यानी कि कंपनी वर्कर को देगी कंपनसेशन। ठीक है, तो जितना आपका मंथ बचा हुआ होगा उतना आपको सैलरी मिलेगा बेसिक। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, एकामा एक्सपायर हो जाए तो कफील हुरूप लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। जिनका भी एकामा एक्सपायर हो जाता है तो कंपनी कफील कभी भी हुरूप नहीं लगा सकता है, क्योंकि हुरूप लगाने के लिए आपका एकामा वैलिड होना ज़रूरी है। ठीक है मेरे भाई लोग, चलिए देखते हैं दूसरे का कमेंट को। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? एग्जिट आया, 60 दिन हो गया, कंपनी हिसाब टिकट नहीं देगी, क्या करें? देखिए, जब आप एग्ज़िट जाते हैं, कंपनी अगर हिसाब टिकट नहीं देती है तो ये सीधा सीधा जो है आर्टिकल 58 और 74 का जो है वायलेशन है। अगर कंपनी आपको नहीं देती है तो मकतब अमल में जाएं और वहां जाके कंप्लेन करें, इंशाल्लाह आपको एंड ऑफ सर्विस और टिकट दोनों ही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई, मैं सऊदी अरेबिया आया, एक साल का काम कर रहा हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, मैं अभी एग्ज़िट जा सकता हूँ या 2 साल के बाद ही जाना पड़ेगा? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, जो लोग भी यहाँ पे फर्स्ट आते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन होता है कि 2 साल के बाद कंपनी आपको छुट्टी देगी या एग्ज़िट फाइनल एग्ज़िट देगी, उसमें सब चीज़ लिखा होता है। तो इसलिए जो लोग भी यहाँ पे नए आते हैं उनको अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना होता है, यानी 2 साल कंप्लीट करना होता है। 2 साल के बाद फिर आप फाइनल एग्ज़िट और छुट्टी दोनों का हक रखते हैं। अगर 2 साल के बाद भी कंपनी आपको फाइनल एग्जिट या छुट्टी नहीं देती है तो सिंपली आप अपना एग्रीमेंट पेपर लें, मकतब अमल में जाएं, वहां जाके कंप्लेन करें, इंशाल्लाह वहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, छुट्टी और फाइनल एग्जिट दोनों लग जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा 2 साल का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, कंपनी ने दूसरा भी एग्रीमेंट कर लिया बिना बताए, मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूं और मेरे को छुट्टी पर भी नहीं भेज रहा है, क्या करूं? प्लीज़ रिप्लाई करें। तो देखिए, जिन लोगों का छुट्टी बना हुआ है अगर कंपनी नहीं भेजती है तो आपको सिंपली क्या करना, मकतब अमल, यानी कि मैं हर चीज़ के लिए एक ही बात बोलता हूं, सब सारा बात घूम फिर के वहीं आ जाता है कि आपको मकतब अमल ही जाना पड़ेगा। मकतब अमल में जाएं, एग्रीमेंट पेपर लेके जाएं, अपने एग्रीमेंट पेपर शो करें कि मेरा 2 साल कंप्लीट है, कंपनी मुझे छुट्टी नहीं भेज रहा है। तो उस केस में कंपनी के पास फिर जो है 60 दिन का टाइम होती है, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर में कंपनी को रीज़न शो करना पड़ेगा कि कंपनी आपको छुट्टी क्यों नहीं भेज रही है। अगर वो रीज़न शो करती है कि आपके अलावा वो काम कोई नहीं कर सकता है तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आपको छुट्टी नहीं भेजेगा। लेकिन 60 दिन के बाद यानी 60 डेज के बाद फिर कंपनी भी आपको चाह करके नहीं रोक सकता, उसको छुट्टी भेजना पड़ेगा। तो ले देकर बात वही होता है कि आपको मकतब अमल ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई, मेरा 17 महीना हो गया है और मेरा एकामा का सीरियस मेरी अम्मी का सीरियस कंडीशन है, मैं मेडिकल रिपोर्ट सब तक दिखाया हूँ कंपनी में और भी और इमरजेंसी भी दे दिया हूँ, लेकिन 20 दिन हो गया है अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और कितना टाइम लगेगा, दूसरा तरीका से जा सकता हूँ या नहीं? देखिए, अगर आप लोगों का मेडिकल इशू होता है घर में कोई फैमिली में, अगर कंपनी कफील नहीं भेजता है तो फिर आप मकतब अमल में जाएं, वहां जाके उस सारे मामलों को बताएं, क्योंकि ले दे कर बात आती है मकतब अमल में। कंपनी कफील कभी भी हमारा और आपका बात सीधे सीधे लफ्ज़ों में नहीं सुनती है, वो मकतब अमल का बात पूरा पूरा समझती है। तो जिन लोगों का इस तरह का मसला होता है वो मकतब अमल में जाएं, वहाँ जा कर के पूरा मेडिकल रिपोर्ट पेपर सबमिट करें, अपना कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करें, फिर इंशाल्लाह आपको वहाँ से छुट्टी मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा 80 डेज हो गया है, एकामा बनाया है, मेरी दूसरी कंपनी में जा सकता हूँ? नहीं जा सकते हैं। प्रोबेशनल पीरियड में अगर आपका एकामा बन जाता है तो फिर आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है। आने वाले वीडियो में मैं और भी सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।